अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर। सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला हो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, अगर आधा जाए तो इससे अच्छी बात और क्या है। अल्लाह हू अकबर। आम के लाल अब्दुल्लाह कहते रहे थे नबियों के इमाम मकसूद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया, सूरज सर पे आगे खड़ा हो गया। अहमद रजा खान साहब से भी एक बात लिखते मेरे दिल को लगी, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। माने क्या इशारा किया आका ने सूरज की तरफ, कहते माह का कलर जो है छोड़ दिया, उंगली के इशारे ने सूरज का कलेजा चीर के रख दिया। सुना अल्लाह सूरज सामने आके खड़ा हो गया, आके दो हाथ मारने लगे, या अली आके दो हाथ मारे, या अली या अली या अली। और सबसे समझो मैं क्या अख्ता, अल्लाह अल्लाह आज लोग कहते हैं ए फलानी के लड़े मुनकर फलानी के मुनकर, आपने फरमाया या अली या अली लबैक या रसूल अल्लाह लबैक या रसूल अल्लाह। फरमाया सोए सामने आके खड़ा हो गए, अब नमाज पर तेरी मर्जी है, सूरह रहमान पर सूरह यासीन पर सूरह बकरा पर सूरह निसा पर सूरह आले इमरान पर या सूरह कौसर पर, जब तक तू नमाज खत्म नहीं करेगा सूरज तेरा इंतजार कर करो। माशाल्लाह इन्हें ना रीसा करते हो, इन्हें को कोई पहुंच है बोलो यार बोलो। अल्लाह अकबर। सुनो अल्लाह हाँ हजरत अली आने ना मजा आते अगे खलते दिन यहूदी आते नोए अली जमात पीछे पड़ पे सवाल का जवाब के सवाल कहने लगे ऐसे वो जानवर बताओ उनके नाम बताओ जो अंडे देते हैं और उन जानवरों के नाम बताओ जो बच्चे देते हैं। हजरत अली आके कुकड़ी देवे भी कोई सवाल वो ना नहीं आके ये क्या खाना क्यों उठिया को आहा या ना आओ ऐसे मैं तो आता कुकड़ी देना तो कुत्ती दे आओ फिर भी तो कुत्ती नहीं भी तो ही नहीं। सुनाए आपने फरमाया ये भी कोई सवाल है, कहने लगे यार सवाल है हां लिख दस सत्र हजरत अली आके जिन दे कान पर वो बच्चे देने जिन दे अंदर है वो अंडे देने तुसी जरा इनके नाम लिखो मैं नमाज पढ़ के। माशाल्लाह अखवाई वाली 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 एक बारी एक बस में आखिरी एक बारी फतवा देना से बैठे एक यहूदी उठ के खा लिया हैं तो बड़े रानी खलते दाखते अली मैं एक बकरी रखी दी है तो नाल एक कुत्ता रखा है अगर कर लिया चले बुरी मर्जी ना ना गाल ए कुत्ते सो बकरी ना गड़बड़ की थी जब जो बकोटा कर दो काल बड़े काम की सो और क्या अपने होने आगे कुर्बानी दी ईद आ गई है बुक वे दस का वो बकरी का पुत्र है या कुत्ते का पुत्र मौलाना गकास साहब को ये जो सवाल को करत है मैं हले सोटी चाणन दे सवाल कर इंसान दा पुत्र है माता का पुत्र का बोल कोई जनाजी का पुत्र कोई और मसला को एक ही गाना कर दे वाह अली तेरी फिरासत पे कुर्बान जाओ आपने फरमाया
हजरत अली ने फरमाया उसके आगे पत्ते का घास रख, अगर घास खाता है घा खांदे पत्थर खांदे तो बकरी का पुत्र है, नहीं खांदा तो कुत्ते का पुत्र। कहने लगा अली कते खा खे कते नहीं खा। हजरत अली आखे अच्छा इसको बिठाओ रहे बैठना मकान। सुनो सुनो हजरत अली आखे अच्छा कदे खा करते कदे हजरत अली आखे फिर पानी रख कदे लिखते पते नहीं लिखता समझते कि ना समझते कुत्ते का पुत्र है कदे पीते कदे लिखते कदे हजरत अली आखे। हजरत अली ने फरमाया अगर जगाली करता है गली बकरी का बच्चा है, नहीं करता कुत्ते का बच्चा है, कदे कर दे कदे जिस वेले बैठना लगे ना बैठना लगे अगली टाइम कदे पहले बकरी का पुत्र है कदे नहीं पंदा तो कुत्ते का पुत्र है। यहूदी भी बड़ा कुत्ते का पुत्र है आज तक कदे पानी के अंदर अरे ताली ने फरमाया अच्छा छुरी के अंदर को तो मेरा मसला तो आलो है ना है की ना आना उना है तो टेड सी कदे अंदर आंदरा ते ओजरी दो ही निकले ते बकरी दा पुत्र है कलियां आंदरा निकल ते कुत्ते दा पुत्र है और नहीं आता कदे आंदरा निकल माशाल्लाह आंदरा ताली ने यहूदी की पोस्टी बंद कर दी। मैं कश्मीर में एक क्योरी चाहिए था ना चाहिए था क्योंकि मौली साहब आने लगे इस तरह ने कि रुपए जुबानी है। अल्लाह सुना अल्लाह आपको मुबारक हो आज आपके बच्चों ने अल्लाह का कुरान याद किया है। आखिरी बात सुनाना हूं तो सब लोग हाल देख रहे हो होना तो अच्छा थे लोग टैप बड़ा गुस्सा की है। सो आखिरी बात निष्कास अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मैदान में से साहिब होगा अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे लोग पसीने में शराब हो रहे हैं अल्लाह पाक की तरफ से ऐलान होगा या बास रब्बुल हुफाज अल्लाह फरमाएंगे ए कुरान के कारियो ए कुरान के हफ्सो कुरान के कारियो हाफिज अर्ज करेंगे लबैक 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 या रब्बुल आलमीन अल्लाह क्या बात है। अल्लाह फरमाएंगे इतना करता के और अब्दुल तमा तुम तक रब्बुल फुदिया भाई इतना मन से लगा इतना आखिर आए तुम तक रहा और कुरान के कारियो दुनिया में तुम पढ़ा करते थे लोग सुनते थे करते थे आवाम सुनते थे बड़ा करते थे पठान सुनते थे बड़ा करते थे खाम सुनते थे आज जरा पढ़े ना तो खुदा सुनो अल्लाह अल्लाह कुरान के कारी कहेंगे अल्लाह दुनिया में हम पढ़ा करते थे हमें मुबारक मिलती थी हमारी दस्तार बतिया दी थी हमें सब आज दी जाती थी अल्लाह आज क्या मिलेगा। अल्लाह फरमाएंगे कुरान के कारी देखता नहीं नमाजी जन्नत को तलाश कर जाए आजी जन्नत को तलाश कर जाए वजीदार जन्नत को तलाश कर जाए और जन्नत तुझे तलाश कर रही है पढ़ता चला जा जन्नत के दर्जे चढ़ता चला जा। कुरान का कारी है अल्लाह कुरान लोगों ने मुख्तलिफ लहजों में पढ़ा मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ा कोई पानीपति लहजे में पढ़ता है कोई मुस्लिम लहजे में पढ़ता है कोई बगदादी लहजे में पढ़ता है। अल्लाह जो अंदाज तुझे पसंद है जो किरात तुझे पसंद है जो अंदाज जो चेले
जा तुझे पसाजे अल्लाह बता ताकि मैं मिले जा इख्तियार करने की कोशिश करो अल्लाह फरमाएगा ओए कारिया आज मैं तेरे लहजे नहीं देखता आज मैं तेरा अंदाज नहीं देखता आज मैं तेरे कलकले नहीं देखता आज मैं तेरे हुक्म नहीं देखता अल्लाह फिर क्या देखता है अल्लाह फरमाएंगे सुन सो सही से के पर जाओ तमाम कुत्ता तो रब ने फिर दुनिया जिस तरह तब तौर के अंदर मस्जिद में खड़ा होकर पढ़ा करता था आज भी उसी लहजे में पढ़ तू पढ़ता चला जाएगा मैं जब तक देता चला जाऊंगा अगली आखिरी गल है उठो बड़ा दख निकल जा रखे देखो मैं इतनी देर पुछता रखे तुसी बड़ा ठीक है जी भगामो इसको तकाजा भी आए दे खुई ना दो सुना तकाजा ते करो खींच लो अल्लाह अच्छा अच्छा कुरान के कार्य शुरू कर दिया الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين پرواز ملنا شروع ہو جائے گی اللہ اللہ پرواز ملنا شروع ہو جائے گی بڑے قاری سمجھدار قاری انہیں کہیں گے اور جلد بازو اور تانویر پتر تاول نہ کرو استاد جو ہے اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہیں استاد جی کیا بات ہے کیوں ہمیں روک رہے ہیں اللہ کے پر پڑتا چلا جا چلتا چلا جا آپ ہمیں روک رہے ہیں اللہ اللہ سمجھدار قاری کہیں گے اور پاگلوں ہم نے اکیلے تو نہیں پڑھا ہمیں پڑھانے کے لیے کسی نے مدرسے میں چمبا دیا کسی نے گلے میں ہاتھ ڈالا کسی نے کیا کیا کسی نے کیا کیا کسی نے جلسے میں پودے بتائی کوئی یہاں پروگرام سننے کے لیے ہاتھ بیٹھا آؤ ہم سب مل کر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں بجا کرو کہ اللہ جب تک ہمارے ساتھ ان لوگوں کو نہیں بھیجے گا ہم جنت میں جانے میں تیار نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اب مشورہ شروع ہو گیا میدان پیش ہے اللہ اللہ فرشتے کھڑے ہیں فرشتے کہتے ہیں چک چک پاگل کاریوں کو دیکھو ان مولویوں کو دیکھو ان مفتیوں کو دیکھو اللہ پاک فرما رہے بڑھتا چلا جا جنت کے درجے مشورہ بٹھا لیے اللہ اکبر اللہ پاک فرمائیں گے اور فرشتوں خاموش ہو جاؤ اللہ کیا بات ہے اللہ پاک فرمائیں گے رضوان کو بلاؤ رضوان آئے گا حاضر ہو جائے گا اللہ فرمائیں گے جنت کے ٹکٹ لے گیا ہر قرآن کے قاری میں دس ٹکٹ عطا کر اور جو قرآن کا قاری ساتھ مولوی بھی ہے مفتی بھی ہے علامہ بھی ہے خطیب بھی ہے ادیب بھی ہے تو پھر جماعت میں لال سال بھی لائے گئے اس کو جنت کے 40 ٹکٹ عطا کر اس کو کتنے دے کتنے دے 40 ٹکٹ اللہ اب ٹکٹ مل گئے تقسیم ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر فرشتے پھر عرض کریں گے پھر آپ ایک دیستے شروع تو پتر ہے رہے ہیں فرشتے نہ سمجھے جب تو خدا سا کو بڑھایا سمجھ آخر میں بڑھانا آدمی دین آخر اتا جانو فیا میں یفصد فیا خدا ہے کی بڑھانے اکل گل یہ کرسن گریبان پکرسن ایک کرسن وہ کرسن ایسی چنگے لوگ ہیں نحنو نسبحو بے حمدکا و نقدسو خدا کا انی عالم و مالا جو کوئی بے سمجھ نہ ہو کسی نہ سمجھ دے سنو اللہ بات فرمائیں گے یہ جنت کے ٹکٹ مل گئے نا کاری یہ جس جس کلمہ پڑھنے والے کو یہ ٹکٹ دیتا چلا جائے نا فرشتوں اس کی نمازیں کم ہوں پرواہ نہ کرنا روزے کم ہوں پرواہ نہ کرنا نیکیاں کم ہوں
परवाह न करना अल्लाह के करा खुदा खे टिकट कहन के कद जनता दे बूहे ते आ जुले ते मैं खुदा बूहा खोल के उसको मगज है सारे सारे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मरे दर देखो मरे दर मेरी तरफ देखे मेरी तरफ टिकट तकसीम हो गए हाफिज कुरान खड़ा है अल्लाह अल्लाह दिन में बातें आ रही है दिन धड़कना शुरू हो गया अल्लाह हाय अम्मा पता नहीं कुछ सी हाय अब्बा पता नहीं मैं गाने में सुन कुछ फिर सी आप भी हमारे पास होते आज को तुम्हें लेके जन्नत में चला जाता अल्लाह पाक फरमाएंगे और कुरान के कारी तेरे लिए उनको तलाश करना मुश्किल है तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं सजे पासे देसी दो घंटे देसी खबे पासे देसी चार घंटे देसी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अब ये मजबूती से पकड़ के एक दूसरे से सिमट जाएंगे अल्लाह हाय अब्बा हाय अब्बा हाय बेटा हाय बेटी अल्लाह अल्लाह अब थोड़े से बात है बात भी आ गई है फिर भी आ गए अब ये शुरू कर रहा है अलफ़ातुन सारिकल किताब लारी मजबी उदमियों में तकी परवाज मिलना शुरू हो गई है अल्लाह पाक करवाएंगे ठहर जा ठहर पढ़ना शुरू किया डक छुड़े अल्लाह क्या बात है अल्लाह फरमाएंगे ना थोड़े माओ पियो को मैं इसी तरह जनता में दफा कर रहा किया कर दे अल्लाह फरमाएंगे देख जब तूने कुरान याद किया था ना मौलाना विकास मिन्हाज साहब इन लोगों ने जलसा कराया था मानसर एक मुसाफिर जे बुलाना आया सा उस तकरीर की थी ऐसी लोग बैठे ऐसे देगा पक्षियां सियां लोग का गले भी हार पाए ऐसे तुस्तियां पगड़ियां बदियां सियां तुस्ती शान दुनिया वाले देखिया सी और चलिया तुड़ी शान दस की दिया सी तुड़े बहु की उदी शान रह दिया सी अल्लाह तू इन दी शान की दसी खुदा ते ओ दे ओ मैदाने में शर्मे मैं स्टेज पे आके छोड़ दूँ अल्लाह इस स्टेज पे कौन आएगा अल्लाह फरमाते आदम से लेकर इब्राहिम तक इब्राहिम से लेकर नूह तक नूह से लेकर मूसा तक मूसा से लेकर ईसा तक ईसा से लेकर मोहम्मद मुस्तफा तक एक लाख से 20,000 अंबिया आएंगे उनको स्टेज पे बिठाकर तेरे वालदेन को जन्नत का जोड़ा पहना कर मैं खुदा अपने हाथ से ताज इनके सरों पे रख कर फिर तेरे साथ जन्नत में जाते बच्चे की दस्तरबंदी आज है तुस्ती इंशाअल्लाह क़यामती को सी वाखिर दवा माशाल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाह।